और सीधा चलेगी दिल्ली, जहां पर रामलीला मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित कर रहे हैं। आप लोगों को मेरे साथ दोहराना है, मैं कहूंगा विविधता में एकता, आप कहेंगे विशेषता। विविधता में एकता, विविधता में एकता, विविधता में एकता, विविधता में एकता, भारत माता की। मंच पर विराजमान केंद्र में मंत्रिपरिषद के मेरे साथी डॉक्टर हर्षवर्धन जी, प्रकाश जावड़ेकर जी, हरदीप पुरी जी, संसद में मेरे साथी श्रीमान मनोज तिवारी जी, विजय गोयल जी, बहन मीनाक्षी लेखी जी, श्रीमान रमेश बिधोड़ी जी, प्रवेश वर्मा जी, हंसराज हंस जी, श्रीमान गौतम गंभीर जी, मंत्रिपरिषद के मेरे साथी, देश के गृह राज्य मंत्री श्रीमान नित्यानंद राय जी, मंच पर विराजमान हम सबके वरिष्ठ नेता श्रीमान विजय कुमार मल्होत्रा जी, सभी वरिष्ठ साथी और विशाल संख्या में पधारे हुए दिल्ली के मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सबको प्रणाम। ये रामलीला मैदान अनेक ऐतिहासिक अवसरों का साक्षी रहा। इसी मैदान पर आज आप इतनी बड़ी भारी संख्या में दिल्ली के कोने कोने से हम सभी को आशीर्वाद देने के लिए आए हैं, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भाई और बहनों, जीवन से जब अनिश्चितता निकल जाती है, एक बड़ी चिंता हट जाती है, तो उसका प्रभाव क्या होता है, ये मैं आज आप सभी के चेहरे पर देख रहा हूं, आपके उत्साह में देख रहा हूं, आपकी गर्मजोशी को अनुभव कर रहा हूं। मुझे संतोष है कि दिल्ली के 40 लाख से ज्यादा लोगों के जीवन में नया सवेरा लाने का एक उत्तम अवसर मुझे और भारतीय जनता पार्टी को मिला है। प्रधानमंत्री उदय योजना के माध्यम से आपको आपके अपने घर, अपनी जमीन,
अपने जीवन की सबसे बड़ी पूंजी उस पर संपूर्ण अधिकार मिला, संपूर्ण अधिकार। और इसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई। जिन लोगों ने दिल्ली के लोगों के इस अधिकार से दूर रखा था, जिन्होंने तरह तरह के रोड़े अटकाए, वो आज देख सकते हैं कि अपने घर पर अधिकार मिलने की खुशी क्या होती है, वो आज रामलीला मैदान में दिखाई दे रहे हैं। साथियों, आजादी के इतने दशकों बाद तक दिल्ली की एक बड़ी आबादी को अपने घरों को लेकर डर, चिंता, अनिश्चितता, छल कपट और झूठे चुनावी वायदों से गुजरना पड़ा है। गैर कानूनी, इलीगल, अनऑथोराइज, जेजे क्लस्टर, सिलिंग, बुलडोजर और एक कट ऑफ डेट, इन्हीं शब्दों के इर्द गिर्द दिल्ली की एक बड़ी आबादी का जीवन सिमट गया था। चुनाव आते थे तो तारीखें आगे बढ़ाई जाती थी, बुलडोजर का पहिया कुछ समय तक रुक जाता था, लेकिन समस्या वहीं की वहीं रहती थी। आपको इस चिंता से मुक्त करने की, इस समस्या के स्थायी समाधान करने की ईमानदारी, नीयत इन लोगों ने कभी नहीं दिखाई। हालत तो ये थे कि लोग कॉलोनियों से जुड़ी छोटी छोटी जानकारियां जुटाने के लिए, बाउंड्री तय करने के लिए 2021 लग जाएगा, 2021 का समय बढ़ा दो, ये मांग कर रहे थे। जब गरीब के लिए काम करना होता है, मध्यम वर्ग के लिए काम करना होता है, तो इनके काम की रफ्तार क्या होती है, ये इनकी इन बातों से पता चलता है जब बेशरम होकर के कहते हैं कि 2021 तक कुछ नहीं कर पाएंगे। इन लोगों की इस रफ्तार को देखते हुए ही हमने कहा, ऐसा नहीं चलेगा, न मैं चलने दूंगा। और इसलिए हमने इस साल मार्च में ये काम खुद अपने हाथ में लिया और इस अक्टूबर में, नवंबर दिसंबर में प्रक्रिया पूरी की। और अभी अभी जो लोकसभा का सत्र हुआ, लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में दिल्ली की कॉलोनियों से जुड़ा बिल पास कराया जा चुका है। समय में
टेक्नोलॉजी की मदद से दिल्ली की 1700 से ज्यादा कॉलोनियों की बाउंड्री को चिन्हित करने का काम पूरा किया जा चुका है। इतना ही नहीं, 1200 से ज्यादा कॉलोनियों के नक्शे भी पोर्टल पर डाले जा चुके हैं। कॉलोनियों के नियमितीकरण का ये फैसला घर और जमीन के अधिकार से जुड़ा तो है ही, ये दिल्ली के बिजनेस, यहां के कारोबार को भी गति देने वाला। साथियों, समस्याओं को लटका कर रखना ये हमारी प्रवृत्ति नहीं है, ये हमारे संस्कार नहीं है और न ही राजनीति का हमारा ये रास्ता है। आप सोचिए, जिन लोगों पर आप लोगों ने अपने नियमित कराने के लिए भरोसा किया था, वो खुद क्या कर रहे थे ये दिल्लीवासियों ने जानना बहुत जरूरी है। जब आपने अपने लिए कुछ मांग रहे थे और जिनसे मांग रहे थे वो क्या कर रहे थे, ये भी आपको जानना चाहिए। इन लोगों ने दिल्ली के सबसे आलीशान और सबसे महंगे इलाकों में 2000 से ज्यादा बंगले अवैध तरीके से अपने कारोबारियों को दे रखे थे। इन बंगलों के बदले किसको क्या मिला, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, उस कहानी में मैं जाना नहीं चाहता। पहले जो सरकार चला रहे थे उन सरकार वालों ने इन बंगलों में रहने वालों को तो पूरी छूट दी, लेकिन आपके घरों को नियमित करने के लिए कुछ किया भी नहीं। और जब मैं कर रहा था तो रोड़े अटकाने का कोई मौका भी नहीं छोड़ा। लेकिन इन्हें पता नहीं था, उन्हें मालूम नहीं था ये मोदी है। उसने एक तरफ इन वीआईपी लोगों से दिल्ली के 2000 से ज्यादा सरकारी बंगले तो खाली कराए ही, साथ साथ दिल्ली के 40 लाख से ज्यादा गरीबों, मध्यम वर्ग के लोगों को उनके घर का हक भी दे दिया। उनके वीआईपी उनको मुबारक, मेरे वीआईपी तो आप ही लोग हैं। देश का सामान्य मानवी है। साथियों, दिल्ली के लोगों का जीवन आसान बने, ईज ऑफ लिविंग बढ़े,
दिल्ली में कनेक्टिविटी बेहतर हो, ये केंद्र सरकार की प्राथमिकता रही है। तमाम राजनीति अवरोधों के बीच बीते 5 वर्षों में हमने दिल्ली मेट्रो का अभूतपूर्व विस्तार किया है। साथियों, 2014 के पहले दिल्ली मेट्रो के नेटवर्क में औसतन करीब 14 किलोमीटर प्रतिवर्ष का विस्तार हो रहा था और तब दिल्ली में उनकी सरकार थी और भारत सरकार में भी वही लोग थे, फिर भी ये हाल था। हमारी सरकार आने के बाद राज्य सरकार का रवैया कैसा है वो बताने की जरूरत नहीं है। सारे विरोध, अवरोध, रुकावटें सब, उसके बावजूद भी हमारी सरकार ने 5 साल में स्थिति पैदा की है कि जहां 14 किलोमीटर का काम होता था अब करीब करीब 25 किलोमीटर प्रतिवर्ष हो गया है। यानी दिल्ली में अब सालाना करीब 25 किलोमीटर नया मेट्रो रूट बन रहा है। पिछले 5 साल में दिल्ली में 116 किलोमीटर नई लाइनें शुरू है। इसके अलावा अभी करीब 70 किलोमीटर नए रूट पर काम हो रहा है। दिल्ली मेट्रो के फेज 4 को लेकर अगर यहां की सरकार, यहां की राज्य सरकार राजनीति पर उतारू न होती, राजनीति के अड़ंगे न डाले होते, बेवजह मुसीबतें पैदा न की होती, तो इसका काम काफी पहले शुरू हो गया। इसलिए मैं कहता हूं कि आपके नाम पर राजनीति करने वाले आपकी तकलीफों को कभी न समझे हैं, न समझने का उनका इरादा है। बरसों से ये लोग बसों को लेकर जो बहाने बता रहे हैं, जो हालत दिल्ली की बसों की इन लोगों ने कर दी है, वो दिल्ली के लोग भली भांति रोजमर्रा की जिंदगी में अनुभव कर रहे हैं। भाई और बहनों, अपने दफ्तर आने जाने में, अपने घर आने जाने में दिल्ली के लोगों को कम से कम परेशानी हो, इसका हमने निरंतर प्रयास किया। दिल्ली के भीतर सड़कों पर ध्यान देने के साथ ही दिल्ली के चारों ओर पेरिफेरल एक्सप्रेसवे का निर्माण किया गया है। ये एक्सप्रेसवे भी बरसों से अटका, लटका, भटका पड़ा था, इसे पूरा करने का काम भी हमारी सरकार ने किया। अब इसके बन जाने से रोजाना 30-40 हजार ट्रक अब वो दिल्ली के भीतर नहीं आते हैं, वो बाहर ही बाहर निकल जाते हैं। इसे दिल्ली के ट्रैफिक पर भी बोझ कुछ कम हुआ है और प्रदूषण की समस्या पर भी अंतर लाने में उसने मदद की। साथियों, शहर में प्रदूषण कम हो इसके लिए भी हमने निरंतर प्रयास किया। बीते 5 वर्षों में दिल्ली में सैकड़ों नए सीएनजी स्टेशन लगाए गए हैं। यहां जो उद्योग धंधे चल रहे हैं उनमें से आधों को
पीएनजी आधारित बनाया जा चुका है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही।